हेलो फ्रेंड्स, मैं पहले गई थी डॉक्टर के पास. ठीक है, आई थिंक 1 मंथ होना आया. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप स्टिक से चलने की कोशिश करो. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रेडी नहीं हूँ, डर लगता है मुझे, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और इतना रिकवरी प्रोसेस भी नहीं मिल पा रहा है, मतलब थोड़ा स्लो है. ठीक है, तो फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं एक स्टिक ले लूँ. राइट, तो मेरे सामने वाले एक अंकल है, ठीक है, उनको थोड़ा पैर में प्रॉब्लम था तो उन्होंने स्टिक लिया था. बट वो मतलब पैर में पेन वाला प्रॉब्लम था, कोई फ्रैक्चर वाला प्रॉब्लम नहीं था, बट वो स्टिक के थ्रू चलते थे. उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप ले लो, थोड़े दिन आप ट्राई करो. मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, बट लिया. बट ये मेरे लिए ये स्टिक काम नहीं करेगी दोस्तों. मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ दोस्तों कि किस तरीके से मैंने चलने की कोशिश की और क्या हुआ. ठीक है, और वो स्टिक ली कि उसका स्टिक का जो सपोर्ट सिस्टम जो नीचे होता है ना, जो उसको मतलब सपोर्ट सिस्टम आता है, मैं बताऊँगी उसमें क्या है कि वो इससे ऊपर नीचे है, मतलब लेवल में नहीं है. ठीक है, तो मैं जैसे वॉकिंग स्टिक लेके चलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं अपना वेट स्टिक पे डालने की कोशिश कर रही हूँ ना दोस्तों, तो स्टिक ऐसे ही गिर जा रहा है. तो स्टिक गिरेगी तो मैं भी गिर जाऊँगी. ठीक है, अगर मैं गिर जाऊँगी तो क्या होगा आप सब जानते ही हो. तो अभी यही चीज़ हो रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ दोस्तों. ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टिक से मैंने ट्राई किया दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो, आप देखो. बट प्लीज़ आप लोग हंसना मत, ठीक है, क्योंकि मैं पता ही नहीं है कि मैं कैसे चल रही हूँ, मुझे आता ही नहीं है. सही बात यही है दोस्तों कि मुझे नहीं आता है स्टिक से चलना. डॉक्टर ने मुझे अच्छे से गाइड किया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे गाइड किया ऐसे चलो. पर जब मैंने रियल प्रैक्टिस करने की सोची और मैंने प्रैक्टिस किया ना, तो क्या बताऊँ दोस्तों, मैं ऐसे वो जो लंगड़ी दाव खेलते हैं ना, वो हिंदी में मुझे परफेक्ट उसका जो वर्ड है मुझे नहीं आता है, बट लंगड़ी दाव जो एक पाँव से ऐसे ऐसे कूद के हम चलते हैं ना दोस्तों, इस तरीके से मैं चल रही हूँ. लगा मतलब कोई मुझे देखेगा ना तो वो मुझ पर हंसेगा, उनको हंसी आएगी कि ये कैसे चल रहे हैं. बट दोस्तों मैं उम्मीद रख रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझ पर हंसिएगा मत. ठीक है, मैं जैसा भी कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, एक दिन मुझे आ जाएगा मतलब कैसे चलना है, बट आई विल ट्राई. ठीक है, तो चलिए हम वीडियो पे मिलते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा कि मैं इस तरीके से मैंने चला और क्या सीन हुआ. ठीक है, आप लोगों बताइए कि क्या सही है ये मेरे लिए. मुझे तो नहीं लगता सही है, वॉकर ही अभी ठीक है मेरे लिए. सही बात तो यही है दोस्तों कि वॉकर ही ठीक है, क्योंकि ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं. ठीक है, और मैं भी नहीं लेना चाहती हूँ रिस्क लेके, मतलब क्या करूँ अगर दोबारा से मैं कहीं पे गिर गई. ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करते करते हम अभी इस तक पहुँचे हैं. तो कुछ गलती करके नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि दबाव थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं नहीं हो पा रहा है मुझसे. ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे लिए कुछ सजेशन मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों.
क्या ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं, वो भी आप मुझे बताइए, ठीक है? और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मैं भी आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं, आप लोग भी आपकी कुछ बातें हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है? अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो आपके दिमाग में या आप मुझे कहना चाहते हो तो आप मुझे कह सकते हो दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे की हेल्प करके ही किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं। वैसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, वो स्टिक से अच्छे से ऐसे ही चलने लग जाते हैं। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होता है, मैं गलती कर रही हूँ मुझे पता है, बट सीखना पड़ेगा। मैं ट्राई करूँगी, बिकॉज पैर में अभी वेट इतना मैं कंज्यूम नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है दोस्तों? बट जैसे जैसे मैं रिकवर करूँगी आप लोगों के साथ सारी बातें मैं शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।